एक्शन न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत मौजूद है अभिनेत्री इहाना ढिल्लो। इहाना ढिल्लो ने जिस तरह से पंजाबी फिल्म धूम मचाया और हिंदी फिल्में भी की हैं, तो फिर उनके और भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसको लेकर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। इहाना, सबसे पहले आपने जब पंजाबी फिल्मों में काफ़ी धूम मचाया, उसके बाद बॉलीवुड में भी आपने फिल्म किया, तो आपकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसको लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस किरदार में आप नजर आएंगे? पंजाबी फिल्में, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच लाइक एंड अभी दो साल हैं, वन इज़ बुज एंड उसके अलावा एक वेब सीरीज आ रही है दैट्स ऑन उलू मिस कसक। उसके अलावा पंजाबी में ऑल्सो आई एम डूइंग थ्री प्रोजेक्ट्स, दो की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, सो दिस ईयर सीम्स बिजी, सो इट्स गुड गोइंग गुड। इस फिल्म को लेकर आपके किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, उसमें उसको लेकर आप अपने किरदार को बताना चाहेंगे, क्या किरदार निभा रही है इस फिल्म में आप? बुज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली हैप्पी एंड रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ द बुज एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एंड इट्स अमेजिंग स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, आर मेकर्स आर वेरी नाइस एंड अमेजिंग स्टार देवगन जी हैं, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त जी, अमेजिंग स्टार कास्ट एंड ओवरऑल अगर हम बात करें स्टोरी की, बात बिकॉज ऑफ द स्टोरी के साथ मीटिंग हुई थी, जब मैंने स्टोरी के बारे में सुना सो आई हर्ड द होल नरेशन, सो आई जस्ट टोल्ड देम, आई सेड डजंट मैटर व्हाट, आई जस्ट वांट टू बी पार्ट ऑफ द मूवी, यू नो देयर आर सम प्रोजेक्ट्स वी जस्ट फील प्राउड एंड वी जस्ट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, वी डोंट माइंड विच कैरेक्टर वी आर प्लेइंग एंड उसमें आई एम प्लेइंग दे हैव टेकन एमी विर्क फ्रॉम पंजाब, ही इज़ ए आर्मी ऑफिसर, सो उनकी वाइफ का कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इन बर्ज एंड ये पहली बार है मेरे करियर में कि एक वाइफ का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ एंड उसके अलावा एक मदर का कैरेक्टर, सो आई वॉज सुपर एक्साइटेड एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल दे टोल्ड मी आप मदर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, यू नो डू यू थिंक इट्स अ गुड कॉल फॉर यू, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी द सेम क्वेश्चन, सो आई फील यू नो बींग एन एक्टर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कैरेक्टर में वेरिएशन एंड फॉर मी अमेजिंग स्टेप, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है मेरे लिए एंड दे वर लुकिंग फॉर ए पंजाबी गर्ल बिकॉज एमी विर्क ही इज़ ए सरदार, सो दे वर लुकिंग अपोजिट पेयर, पंजाबी पेयर एंड बहुत ही अच्छा लगा शूट करके। अभिषेक जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, ही इज़ ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छे हैं काम में, टेक्निकल टीम इज़ अमेजिंग एंड माई शूट इज हुआ है बट I mean, you know, being in that atmosphere, it was amazing. So I think it's a very good experience. बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो एक आर्टिस्ट प्ले करते हैं, लेकिन जब एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ का कैरेक्टर आपको प्ले करने का मौका मिला, तो ये आपके लिए कितना एक्साइटेड और कितना फक्र करती हैं जब एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ का किरदार आपको? Yes, I, as I said before, that I'm really, really proud to be part of Purj and I was very excited when I was offered for this role. Ek army officer ki wife ka character hai. So they wanted, you know, okay, it's army officer, you know, their atmosphere is completely different at their house and they live in very classic way and they were looking for some girl, you know, who has an innocent face, but she's a good looking and she carry herself very, very well. So I am a wife, I'm always at home, but सेम विद मी अगर हम बात और जो उन्होंने लुक चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं बट इट वॉज़न दैट डिफिकल्ट टू फॉलो, सो आई थिंक इट वॉज अमेजिंग। अजय देवगन जी को लेकर कुछ आप बताना चाहेंगे ऑन द सेट, क्या कुछ रहा, कुछ यादें जो अजय देवगन के साथ, क्योंकि अभी उनके जो उनकी फिल्म अभी रिलीज़ हुई थी ताना जी काफ़ी धूम मचाई है, लोगों ने काफ़ी बॉक्स ऑफिस पे देखा गया है, तो उसके लिए ऑलवेज फैन ऑफ अजय देवगन जी एंड अभी ताना जी and I was always fan of Ajay Devgan ji, so obviously unke sath that was a fan moment, so I can say mera unke sath koi shoot nahi tha, mera koi scene nahi tha unke sath, but I'm
इहाना जी रियल लाइफ में कैसी हैं, किस तरह से जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो कितना ध्यान देती हैं कि प्रोजेक्ट साइन करने के पहले आप प्रोजेक्ट में क्या कुछ देखना पसंद करते हैं? सही, प्रोजेक्ट इज़ ऑल अबाउट, जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है ऑलवेज लुक एट माई कैरेक्टर कि मेरा कैरेक्टर क्या है। ऑफकोर्स वी सी द स्क्रिप्ट, when people ask me okay where you see yourself after 5 years, I always tell them that okay I'm not here for the fame, I want people should like after 5 years or whenever after maybe 10 years or whenever somebody talking to each other, so they just say okay Ihana she's a good actress, I don't want to be like on top like on number one, I don't have those kind of dreams, I'm just here to do good work. So I think mere liye मेरा कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं एक्चुअली कैरेक्टर के अंदर घुस जाती हूँ। सो वेन एवर आई एम ऑन सेट आई एम ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, वेन कैमरा इज़ ऑन आई एम ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, बट वेन कैमरा इज़ ऑफ आई एम ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। देर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस, यू नो वेन यू सी मी ऑफ बिहाइंड कैमरा और ऑफ कैमरा आई एम ए वेरी वेरी काइंड ऑफ यू कैन से आई एम वेरी शाई पर्सन एंड यू नो गोना बिलीव आई कैंट इवन टेक सेल्फीज, यू नो लाइक आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। अगर आप मेरी सोशल मीडिया भी देखेंगे देर इज़ नोट आई डोंट इवन अपलोड एनी सेल्फीज बिकॉज आई डोंट रियली टेक एनी सेल्फीज, आई एम ए वेरी शाई काइंड ऑफ पर्सन। बट येस जब कैमरा ऑन होता है आई एम कम्प्लीटली इन टू माई कैरेक्टर बिकॉज दैट टाइम ऑफकोर्स वी फॉरगेट ओके दैट टाइम आई एम नॉट इहाना आई एम दैट कैरेक्टर विच आई एम प्लेइंग। सो एक्टिंग इज़ माई पैशन, सो दैट्स वाई आई एम हियर। यहाँ ना अब अगर आपके समय पे हम देखते हैं तो बायोपिक जो फिल्में होती हैं उन लोग काफ़ी पसंद करती है पब्लिक, तो अगर आपको किसी की बायोपिक पे किसी की स्टोरी पे अगर काम करना हो, किसी की कैरेक्टर पे आपको कोई किरदार निभाना हो, तो ऐसा कौन सा नाम होगा जिसकी बायोपिक पे आप काम करना चाहोगे, ऐसा उसका किरदार निभाना चाहोगे? सी अगर हम हिस्ट्री की बात करें हिस्टोरिकली देयर आर अमेजिंग स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज हैं। सो आई थिंक बायोपिक वाई पीपल लाइक इट मच बिकॉज यू कैन रिलेट टू इट, आप बचपन से वो हिस्ट्री पढ़ते आए हैं। अगर आपको हिस्ट्री का शौक है तो येस वन जब वही कैरेक्टर जो आपने बुक्स में पढ़े हैं आप उसको सिनेमा में देखते हैं, आप उसको स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, सो यू रियली फील लाइक वाओ ओके आई कैन नॉट बिलीव, यू नो दैट्स लाइक समथिंग लाइक ड्रीम कम्स ट्रू काइंड ऑफ थिंग। सो आई थिंक बायोपिक इज समथिंग, आई वॉज ऑलवेज फैन ऑफ बायोपिक्स। अगर हम बात करें मुझे कौन सा बायोपिक करने का मौका मिलेगा, आई हैव नॉट थॉट अबाउट दैट येट बिकॉज आई स्टिल फील के वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी मेरे पास बहुत टाइम है एंड आई विश आई रीच ऑन दैट लेवल सम डे दैट आई कैन चूज़ ओके ये वाली स्क्रिप्ट मैं करना चाहती हूँ, ये वाली बायोपिक मैं करना चाहती हूँ। सो लेट्स सी इन द फ्यूचर, आई डोंट नो आई हैव वन थिंक अबाउट दैट येट कि कौन सा कैरेक्टर मैं प्ले करना चाहती हूँ, बट बायोपिक इज़ समथिंग हिस्ट्री बिकॉज माई डैड इज़ टू मच इन टू हिस्ट्री, सो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मे बी दैट्स वाई आई ऑलवेज लाइक हिस्टोरिकल मूवीज, दैट्स वाई मे बी आई ऑलवेज फॉलो संजय लीला बंसाली सिनेमा बिकॉज आई फॉलो सिनेमा बिकॉज दैट्स वट दे पोर्ट्रेट ऑन स्क्रीन दैट्स कॉल्ड सिनेमा। सो आई थिंक आई हैव वन थॉट अबाउट दैट येट, बट जब भी सोचेंगे हम आपको जरूर बताएंगे। 14 फेब तो वैलेंटाइन डे बस कमिंग है, तो वैलेंटाइन डे किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली है? वैलेंटाइन डे इज कमिंग दिस ईयर, वैलेंटाइन डे आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माय मॉम एंड आई एम नॉट डूइंग मच एंड बिकॉज आई फील इफ यू हैव अ लव वन इन योर लाइफ एवरी डे इज योर वैलेंटाइन डे, सो उसके लिए कोई स्पेशल दिन नहीं होता है, दैट्स व्हाट आई फील। If you have somebody, your partner, some loved one in your life, so every day is a fun day, every day is a Valentine day. So I'm spending time with my family and because I'm single, I don't have anybody yet. So I will be spending my time with my family because bahut kam time milta hai mere ko apni family ke sath spend karne ke liye because it's always, you know, I'm always traveling because I'm shuffling between two industries, between Bollywood and between Punjabi industry, so I'm always traveling a lot. So mujhe bahut kam time milta hai family ke sath spend karne ke liye and I always feel guilty about it because I'm a very family person and even and I'm the youngest one in the family, so meri puri family they all miss me. So this year I am gonna spend with my family. तो अगर आपको जैसे जिस तरह से वैलेंटाइन डे में 5 सीजन
कभी प्रपोज किसी ने आप या किसी ने कभी फर्स्ट टाइम प्रपोज किया नाम था समथिंग लाइक आई थिंक वी आर मिसिंग नाउ बिकॉज दोज डेज आर लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट डेज. सो मेरे को ऐसे कुछ स्पेसिफिकली नाम याद नहीं है, बट हाँ काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को प्रपोज किया दैट डे. इवन ऑन चॉकलेट डेज वी यूज टू गेट चॉकलेट्स. देवर सो मेनी टाइम्स के मेरे घर पर चॉकलेट्स आते थे, सो माई डैड यूज टू टेल मी ओके तुम्हारे लिए चॉकलेट आया. सो दैट वॉज लाइक यू नो लाइक दैट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टाइम. बट अभी आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई करेगा मेरे साथ, आई डोंट नो. एंड लॉट ऑफ फैंस दे सेंड यू मैसेजेस, एंड इनफैक्ट लॉट ऑफ फैंस दे इवन सेंड मी द पार्सल, सो विच इज़ अमेजिंग. थैंक यू सो मच गाइस, एंड दैट्स अ डिफरेंट एक्साइटमेंट. एंड आई एम लाइक रियली किडिश बाय हार्ट, सो आई स्टिल लाइक ऑल दो स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स. लाइक फॉर मी कोई मेरे को एक फ्लावर देगा, दैट्स you know that's more bigger than somebody's giving me some bigger gift. So for me like those excitements really matters. So yes, there are bahut sare experience hai aise. Kya tak shaadi kar sakte hain mil jayega kis kis tarah ke ladke ki talash hai waise, kis tarah ka mind mein hoga kuch aapki? Mere mind mein nahi. शादी करेंगे, आई फील आप वो चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते. इट्स अ समथिंग यू नो लाइक यू connect sometimes with somebody, so you know sometimes you're just talking to somebody or maybe you just met somebody and you really connect well. So that's the I think thing which you're looking for. So I don't think so, like I don't have a list ke mere ko ye qualities chahiye ladke ke andar, but yes, I am very passionate lover and I'm very emotional and I get attached too much. So for me it's very difficult. I think for me it's okay, but for the boy it's gonna be very difficult because I really get attached to people. But abhi tak aisa koi mila nahi hai, so let's see, agar koi mil jayega tab shaadi kar lenge, abhi bahut time hai, abhi to hum kaam ke andar busy hain. Bollywood mein koi aisa naam jiske Valentine Day pe aap use gift karna chahenge, aap sochte hain ki wo aapko gift kare? Bollywood mein on Valentine's Day, oh my god, there are so many good looking men in Bollywood. I was always found of or fan of Hrithik Roshan. I find him very hot, he's very hot. And there's a list actually. Aditya Rai Kapoor, he's very hot. Ranbir Kapoor is very hot. Ranveer Singh is hot. So there, I think there's a huge list, I think. But ha, agar mere ko kisi ko gift karna hai, so I think I'll still go with Hrithik Roshan. Okay, thank you. Thank you. आगे और भी खबरों को देखने के लिए यूट्यूब बने रहिए हमारे सहयोगी नीरज के साथ. मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई. एक मिनट चालू रखना आपका.